हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ लेडीज कार्डिगन बॉर्डर। इसको आप बेबी स्वेटर में भी डाल सकते हैं और इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, इस बॉर्डर को बनाने के लिए मैंने 15 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं, तो यहाँ पे मैंने 60 फंदे ले लिए हैं। आप देखिए, यहाँ से फर्स्ट रो हम सीधी बुनेंगे, पूरी रो सीधा बुन के कंप्लीट कर लूंगी। यहाँ पे 4 डिजाइन बन के कंप्लीट हो जाएंगे। आपको जितना फंदे चाहिए उस हिसाब से इसमें फंदे ले लीजिए। इसको पूरा ऐसे ही बुनते हुए लास्ट तक जाएंगे। ये देखिए, लास्ट तक मैंने सीधा बुन लिया। सलाई को पलट लेंगे। अब देखिए, दूसरी रो जो है उल्टे तरफ से हम सीधी बुनेंगे ऐसे। ऐसे ही इसको लास्ट तक बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे 2 रो मैंने बना ली हैं, इधर से भी सीधी और इधर से भी सीधी। आप देखिए, यहाँ से ये देखिए 2 बार लपेटते हुए 15 फंदे बुनूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये देखिए, यहां से मैंने 15 फंदे 2 बार लपेटते हुए बना लिए। आप देखिए, इस सिलाई को हम ऐसे निकाल देंगे। और देखिए, अब मुझे एक क्रोशिया हुक चाहिए, तो उसे देखिए इस तरह से 15 फंदे हम एक एक करके ऐसे इसमें, ये देखिए, ये देखिए सभी फंदे मैंने ऐसे इस पे ले लिए क्रोशिया। अब देखिए, यहां से ऐसे, ये देखिए सभी फंदों में से ऐसे, ये देखिए इस तरह से बनाना है। उसके बाद इसको एक बार लॉक करना है। ये देखिए, इस तरह से ये बन के डिजाइन आएगी। तो यहाँ पे ये लॉक हो गया। अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा खींच देंगे फंदे को। अब यहां से सिलाई लेंगे और देखिए, एक फंदा जो यहां से देखिए ये वाला है ऐसे, ये देखिए ये ले लिया। उसके बाद हम इसको इस सिलाई पे ले लेंगे और इसको अभी ऐसे खींच के थोड़ा सा छोड़ देंगे। अब यहां से आप देखिए, फिर से 15 फंदे 2 बार लपेटते हुए बुनूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 15 फंदे फिर से बुन लिए। और देखिए, अब मैं इनको फिर से निकाल दूंगी, सिर्फ ये 2 फंदे रखूंगी सिलाई पे ऐसे। इसको थोड़ा सा खींच देंगे आगे को ताकि ये निकले नहीं। अब देखिए, यहाँ से सभी फंदे एक एक करके मैं इस पे क्रोशिया हुक पे ले लूंगी। ये देखिए, आप देखिए यहां से ऐसे,
सभी में से ऐसे ये निकाल लिया। ये देखिए यहाँ से इसको एक बार लॉक कर देंगे, थोड़ा सा ऐसे लंबा करेंगे और ऐसे निकाल देंगे। आप देखिए ये देखिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे जो ये यहाँ से ऐसे बन के आया है। यहाँ से ये देखिए इसको, ये देखिए ये फंदा उठा लिया। उसके बाद इसको भी ऐसे ले लेंगे। आप देखिए यहाँ से फिर से मैं दो वाला लपेटते हुए 15 फंदे बुनूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये देखिए 15 फंदे बनाने के बाद इन फंदों को मैं इससे निकाल दूंगी। ये 15 फंदे निकाल दिए, इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे। आप देखिए इन सभी फंदों में से फिर से क्रोशिया हुक डाल लूंगी मैं। ये देखिए सभी में से हुक डाल लिया ये। अब देखिए यहाँ से हम एक फंदा बनाएंगे ऐसे। इन सभी में से ये निकाल दिया और देखिए इसको ऐसे लॉक कर दिया। अब देखिए एक फंदा ये, इसको हम बड़ा करके थोड़ा सा, अब देखिए एक ये यहाँ से जो आ रहा है इसको हम लेंगे और एक ये लेंगे। इस तरह से आ जाएंगे ये। आप देखिए यहाँ से फिर से 15 फंदे दो बार लपेटते हुए। दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। ये देखिए यहाँ पे मैंने 15 फंदे दो बार लपेटते हुए बना लिए। अब देखिए इन 15 फंदों को मैं ऐसे निकाल दूंगी और देखिए क्रोशिया हुक पे ले लूंगी खोलते हुए ऐसे। ये देखिए आप देखिए यहाँ से ऐसे एक फंदा बनाएंगे और इन सभी में से निकाल दिया। ये देखिए उसके बाद इसको लॉक कर दिया, थोड़ा सा खींच देंगे और देखिए यहाँ से ये देखिए ये वाला फंदा जो यहाँ से राउंड में आया है इसको हम एक को उठा लेंगे ऐसे और एक ये वाला ले लेंगे। आप देखिए ये हमारे पास फंदे जो बचे हैं इनको फिर से मैं दो बार लपेटते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये देखिए लास्ट हमारे पास 15 फंदे थे, उनको मैंने बना लिया। अब देखिए हम सिलाई को यहाँ से खींच देंगे ऐसे, यहाँ तक ये वाले फंदे ऐसे छोड़ देंगे और देखिए अब सभी फंदे हम ऐसे खोल के क्रोशिया हुक पे ले लेंगे। आप देखिए इनमें से सभी में से ऐसे ये देखिए
अब लास्ट में इसको हम ऐसे लॉक कर देंगे, इसको खींचेंगे थोड़ा सा। अब देखिए एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे, ये देखिए राउंड जो है इसके सेंटर में से, अब एक यहाँ से और एक इस जगह से, देखिए ये वाला जो है इसको उठा लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये बॉर्डर बन के कम्प्लीट हुआ है, ये देखिए इस तरह से ये बॉर्डर बन के कम्प्लीट हो गया है। अब देखिए हम यहाँ से पलट लेंगे और देखिए जो फंदे मैंने इसमें कम किए हैं वो मैं इस रो में उल्टी रो में पूरे करूंगी। तो यहाँ से देखिए एक फंदा मैं ये उल्टा बनाऊंगी ऐसे। अब देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे मैंने बनाए। अब देखिए ये वाला सेंटर वाला फंदा बुन लेंगे, और देखिए छह फंदे हम इधर उठाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ। तो देखिए यहाँ पे 13 फंदे बीच में उठ गए, एक फंदा हमारे पास ये है एक सेंटर का है। अब ये वाला फंदा बुनेंगे, देखिए ये बना लिया जो यहाँ पे मैंने उठाया था। अब देखिए यहाँ पे मैं फंदे उठाऊंगी, तो यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये देखिए एक तरफ सात फंदे उठा रही हूँ मैं और एक तरफ छ, ये देखिए सेंटर का बना लिया, उसके बाद छ ऐसे एक दो तीन चार पाँच छ, ये देखिए इस तरह से ये अगला फंदा बुनूंगी। अब देखिए ये देखिए ये सेंटर का फंदा है, उससे पहले मैं सात फंदे, एक दो तीन चार पाँच छ सात। अब इस फंदे को उल्टा बना लेंगे ऐसे, अब देखिए उसके बाद छह फंदे, एक दो तीन चार पाँच छ, ये देखिए ये वाला फंदा बनाऊंगी। अब यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात, उसके बाद ये सेंटर वाला फंदा बनाऊंगी ऐसे। अब यहाँ पे छह, एक दो तीन चार पांच, छह बनाने के बाद एक उल्टा बना लिया। अब देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छह सात, सात फंदे मैंने यहाँ पे बना लिए। उसके बाद देखिए ये वाला फंदा सेंटर वाला बुन लिया। अब यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ, छह फंदे लास्ट में ये वाला फंदा बना लूंगी ऐसे, ये देखिए सिलाई को पलट लिया, ये देखिए इस तरह से ये बॉर्डर बहुत ही प्यारा बन के कम्प्लीट होता है। अब इसके बाद आप जो चाहे ऊपर डिजाइन डाल सकते हैं एक रो बनाने के बाद, या फिर आप उल्टी उल्टी रो बना लीजिए, जो भी आप बनाना चाहें इसके ऊपर ऐसे ऐसे भी आप बना सकते हैं। देखिए इन फंदों को थोड़ा सा ऐसे बुनेंगे, पूरी रो ऐसे ही बना लेते हैं, ये देखिए लास्ट तक मैंने बना लिया। पलट लेंगे, अब इधर से भी इसको उल्टा बनाना चाहें तो आप उल्टा बना सकते हैं, जैसे आप बनाना चाहें वैसे आप इसको बना के यूज कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बना के कंप्लीट कर लिया, और देखिए उल्टी तरफ से भी ये बहुत ही प्यारा दिखता है। आप जिस तरफ से इसको सीधा रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे एक एक मोती भी लगा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।